क्वेश्चन पढ़िए. द क्वेश्चन सेज द शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय स्मूथ जर्नल बेयरिंग्स, दिस बेयरिंग एंड दिस बेयरिंग. ओके, जर्नल बेयरिंग, ये कौन से बेयरिंग्स हैं? यानी बेसिकली ये आपको, ये शाफ्ट को जाहिर है नीचे जाने नहीं दे रहे हैं. इसका अगर क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं, बेयरिंग, आप यू नो व्हाट बेयरिंग इज, एक होल सा होगा बस. बेसिकली जर्नल बेयरिंग क्या होता है? बस एक होल सा होता है. यानी ये बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग टाइप नहीं है. उसमें क्या होता है, रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग में क्या होता है, एक इनर रेस होती है, दिस इज द इनर रेस, फिर कुछ बॉल्स होते हैं, फिर एक आउटर बेयरिंग, आउटर रेस होती है. तो इसमें द शाफ्ट गोज इनटू दिस इनसाइड और द आउटर डायमीटर दिस गोज इनटू अ हाउसिंग, कोई भी आप इस तरह का बना लेते हैं ब्रैकेट सा, ठीक है, एंड देन यू पास अ शाफ्ट इनसाइड. उसके और यूजेस हैं. जनरल बेयरिंग क्या होता है? सिंपली एक होल है बस. उसमें कई बार बुश लगा देते हैं, बुश मतलब सॉफ्टवेयर मटेरियल की, जैसे ब्रॉन्जेज और इस तरह के. कई दफा नहीं लगाते वो, इस पर मशीन डिजाइन वगैरह का ये प्रॉब्लम है कि कहाँ क्या करना है आपने, ठीक है. बट फॉर नाउ व्हाट दे डू दीज बेयरिंग्स, व्हेन यू अप्लाई द 12 किलोन्यूटन पर मीटर, वो जो फोर्स नजर आ रही है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स डब्ल्यू, तो व्हाट दे ए एंड बी डू इज दे स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, ये अक्सर हम चलाकी दिखाते हैं. A and B only exert vertical reactions on the shaft. ये पता है क्या कह रहा है आपको? What this is saying? ये आपको सुनने में लगे ये क्या, मतलब इसकी जरूरत क्या है इस बात करने की? अभी बताता हूँ जरूरत क्या. प्रॉब्लम ये है कि इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम. फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ना. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बीम होती है, इसका जब हम ये वॉल निकालते हैं तो व्हाट वी डू, हम कहते हैं यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई होगा वॉल का, और चूंकि ये एक कपल प्रोड्यूस होता है तो उस कपल को रोकने के लिए एक मोमेंट भी प्रोड्यूस, ये मोमेंट भी, मोमेंट कपल वॉल अप्लाई करती है. अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ए और बी, जब मैं ये एक शाफ्ट को अलग करूंगा बेयरिंग से, ए और बी वर्टिकल फोर्सेस तो देते हैं, जाहिर है वो देंगे ना, वरना अदर इट विल फॉल डाउन. ए और बी क्या कर रहे हैं, उसको नीचे गिरने नहीं दे रहे. बट द थिंग इज, आपको सोचें, एक अगर शाफ्ट है और उस पर मैं इस तरह करके चौड़ा सा एक बेयरिंग लगा दूं, चौड़ा सा, तो लेट से इमेजिन करें जरा, शाफ्ट अगर थोड़ा सा टेंडेंसी उसमें ये, एज अ रिजल्ट ऑफ लोडिंग टेंडेंसी ऐसी हो होने की, तो क्या होगा? आप नोट करें, यहाँ एक फोर्स लगेगी और एक यहाँ फोर्स. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ इसको रेजिस्ट करेगा. यानी मैं अगर इसको एग्जैजरेटेड बनाऊँ ना, ये थोड़ा सा पॉइंट में भी आमतौर पर डिस्कस नहीं होता, बट कई दफ़ा तंग करता है ये सिचुएशन. यू कैन इमेजिन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ऑकरिंग इफ इट इज लोडेड इन अ सर्टन वे कि वो टिल्टेड हो जाता है. तो जाहिर है जहाँ टच ज़्यादा करेगा, एक्चुअली तो इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिचुएशन होगी. यानी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोड आएगा, यहाँ पर कम, फिर कम, फिर कम, इसी तरह यहाँ बहुत ज़्यादा लोड डाउनवर्ड आएगा, फिर कम, फिर एक्चुअली तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही सिचुएशन होगी. लेकिन इसका भी एक रिजल्टेंट होगा, इसका भी एक रिजल्टेंट होगा. तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिजल्टेंट जब आएंगे, तो एक्चुअली दिस कुड कॉज समथिंग लाइक अ कपल मोमेंट एट दिस पॉइंट, कह सकते हैं. ये सारी गुफ्तगू इस एक जुमले ने, ये जो जुमला मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन में, ख़त्म कर दी. व्हाट इट इज सेइंग इज, आप ये समझ लें कि ये बहुत थिन सी बेयरिंग होंगी. अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत वेरिएशन आती भी है कपल वगैरह, तो वो ना होने के बराबर है. सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज, एज अ रिजल्ट, ये सारी गुफ्तगू लंबी हो गई, आमतौर पे ये डिस्कस नहीं की जाती बातें. व्हेन यू ड्रॉ द बेयरिंग, द शेयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यू ओनली नीड टू कंसिडर वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेस. ये जो बेसिकली वही बात जो उसने यहाँ कही भी है, हम ये वही बात यहाँ मैंने लिख दी है, राइट. अगर ये समझ आ गई बात, मूव ऑन. डिटरमिनेट स्मॉलेस्ट डायमीटर डी, ये डी मालूम करना है, दिस डी, इफ द अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज सिग्मा अलाउ 180 MPa. अच्छा, अब ये देखिए, हमारा जो फार्मूला था, याद करें क्या था, कोई भी क्रॉस सेक्शन तो कोई भी हो सकता. हम इनमें से काफी सारे क्रॉस सेक्शन आज देखेंगे भी, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, बट और इवन ये भी हो सकता है. फॉर्मूला वॉज सिग्मा माइनस एम वाई ओवर आई. अच्छा, एम वाई मीन्स
एक न्यूट्रल एक्सेस है. न्यूट्रल एक्सेस क्या है? जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता. बिल्कुल इन केसेस में ये बिल्कुल सेंट्रॉइड से गुजरेगा. इसके इधर सेंट्रॉइड से नहीं गुजरेगा, क्योंकि इधर आप नोट कीजिए यहाँ पे एरिया ऊपर एरिया है. यहाँ पे ये चीज़ नहीं है. सो इसको अगर आप सेंटर ऑफ एरिया की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ एरिया विल बी समवेयर अलोंग क्लोज टू द टॉप, नॉट इन बिटवीन. यहाँ पे करके कहीं इधर करके कहीं होगा. ठीक है, तो इसका न्यूट्रल एक्सेस यहाँ से पास होगा. ठीक है, अच्छा वो भी हम डिस्कस करते हैं. इस केस में तो ऐसी कोई बात नहीं ना. इस केस में तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. सो न्यूट्रल एक्सेस विल पास बिल्कुल सेंटर. ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सेस की पहचान क्या थी याद कीजिए. पिछली डेरिवेशन में हमने एक तो ये कैलकुलेट किया था ना, ये तो हमने यूज करना ही करना है. एक और रिलेशन आपके पास आया था जिसमें कहा गया था कि ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो. उसमें कहा ए तो जीरो हो नहीं सकता, फिर बी जीरो होगा. और बी क्या था? बी था फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, वाई डी ए ओवर द होल एरिया. ये बात हमें बता रहा था कि न्यूट्रल एक्सेस कहाँ से पास करेगा, जहाँ पर मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो होगा वो जीरो हो जाएगा. यानी क्या होगा, यहाँ से आप एक खास वाई लेंगे, एक खास पॉइंट, उसका एक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. देन यू डू इट फॉर द होल सेक्शन. इसका मतलब है कि ऊपर के सारे एरिया मोमेंट्स नीचे के सारे एरिया मोमेंट्स से बैलेंस हो जाएंगे. क्यों? ऊपर वाला एरिया ऐसे प्रोड्यूस करता है मोमेंट, नीचे वाला ऐसे करता है. तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे ये सारा जीरो हो जाता है, कहाँ पे आएगी? जहाँ पे सेंटर ऑफ एरिया होगा. ठीक है ना, ये गुफ्तगू हमने की थी. नाउ दिस वाई, यू चेंज वाई एंड यू गेट अ हायर स्ट्रेस. यहाँ का वाई स्ट्रेस कुछ और होगा, या ऊपर और ज्यादा. और सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ पे होगा? सी ओवर टू, सी बेसिकली, सी ओवर टू नहीं, सी. यानी अगर हम रेडियस को सी कहते हैं तो सबसे ज्यादा इस रेडियस से बाहर तो जा नहीं सकते आप, हवा में तो नहीं जा सकते ना. तो एक्चुअली फॉर डिजाइन दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस एम सी ओवर वाई. सी इज द मैक्सिमम पोजिशन टेकन बाय वाई. वाई की वैल्यू जीरो कर दें, स्ट्रेस जीरो है. वाई की वैल्यू सी कर दें, विच इज द टॉप मोस्ट फाइबर या बॉटम मोस्ट फाइबर. इन दिस केस टॉप एंड बॉटम मोस्ट फाइबर विल हैव द सेम स्ट्रेस, राइट? या हम ये हमने फॉर्मूला यूज करना. ठीक हो गया. अच्छा, एंड नाउ बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच इज डिजाइन प्रॉब्लम, तो हम कैसे करते हैं इसको? आमतौर पर हम क्या करेंगे अगले सवालों में, एनालिसिस के जो सवाल आएंगे, हम इसमें मैक्सिमम एम कैलकुलेट करेंगे. सी तो गिवन होगा ना, आम सवाल में डायमीटर गिवन होता है. इस सवाल में तो डायमीटर कैलकुलेट करना ना, दिस इज अ डिजाइन प्रॉब्लम. इन एनालिसिस प्रॉब्लम डायमीटर इज गिवन. सो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आई भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी सेक्शन होगा एम का आपके पास सिग्मा आ जाएगा. देन यू विल कंपेयर सिग्मा विद द अलाउबल सिग्मा, कि क्या उसका मटीरियल अलाउ करता है कि नहीं करता. अगर करता है तो इट्स ओके, नहीं करता तो इट्स फेल. नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट. यहाँ डिजाइन प्रॉब्लम है तो ये डी तो अननोन है. इट मीन्स कि सी कैलकुलेट करना है आपने बेसिकली रेडियस, और रेडियस कैलकुलेट करना है तो फिर आई भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आई की वैल्यू है पाई बाय फोर इंटू रेडियस स्क्वायर, या हम रेडियस को सी कह रहे हैं तो सी स्क्वायर. ठीक है, तो सी तो पता ही नहीं है. इधर आपने अननोन आपका सी है, तो इधर भी आप आई को पाई बाय फोर सी की पावर फोर के टर्म्स में लिख लें, यानी दूसरे शब्द में एक सी सी से कट जाएगा. ठीक है ना, और एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी. अच्छा, एम मैक्सिमम कहाँ आ रहा है वो भी हम मालूम करेंगे, और सिग्मा इस केस में कैलकुलेट नहीं करना. सिग्मा अलाउएबल जो आपको गिवन है, यू आर अलाउड द स्ट्रेस टू रीच दिस पॉइंट, तो आप वो वाला यूज कर लेंगे. ठीक है ना, तो अब ये ओवरव्यू लास्ट टाइम भी दिया था, अब हम इसको बस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. फिर रिकॉल कीजिए, शियर फोर्स हमें इस फोर्स के लिए नहीं चाहिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली चाहिए, बिकॉज टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट वी नीड शियर फोर्स, राइट? ठीक हो गया. अच्छा, लेट्स डू इट. वी हैव टू इक्वेशंस, टू वन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वो चाहिए ना इसके. वॉट अबाउट फोर्स ए एंड वॉट अबाउट फोर्स, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना, राइट? तो हम ये कहेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन जीरो. तो हम कहेंगे उसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे ना, यानी ये उस किस्म की इक्वेशन होगी. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, बट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, एफ ए एफ नॉट वाई
एफ ए अपवर्ड्स है, इसको पॉजिटिव को अपवर्ड ले रहे हैं, प्लस एफ बी, इसका साइन थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि स्लाइटली डिफरेंट टैबलेट आई हैव, ये कर लेते हैं एफ ए प्लस एफ बी किसके बराबर होगा 12 इंटू थ्री, ये तो डाउनवर्ड फोर्स 12 इंटू थ्री प्लस 12 इंटू 1.5, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन 1.5 ओवर 2 क्योंकि ये ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। द अदर इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, लेट्स से मोमेंट अबाउट ए जीरो ले लें इस पॉइंट के अगेंस्ट ना, तो इसका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका अपवर्ड, राइट। तो ये आप जब कर लेंगे सारा, तो लेट मी नॉट वेस्ट टाइम हेयर, दिस इज नॉट वॉट वी आर डूइंग हेयर। तो वट यू विल गेट इज दिस सिचुएशन कि ये आपके पास 16.5 आ जाएगा रेड में, इसका रेड का भी जरा पेन को थोड़ा सा थिक कर लें, 16.5 और ये अपवर्ड आ जाएगा 28, ऑल इन किलो न्यूटन्स जाहिर है, और रिकॉल कोई बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपको उसने बता दिया था कि सिर्फ शीयर सिर्फ रिएक्शन फोर्सेस आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब आप ऐसा करेंगे, लेट्स डू द शीयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पहले शेयर फोर्स फिर बैंड, ऊँचियाँ लम्बियाँ लाल खजूरा, ठीक है जी, पहले ऊँचियाँ फिर लम्बियाँ, ठीक है जी, चले पहले शेयर फोर्स उसके बाद बैंडिंग, ये जीरो शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू, अच्छा आगे बैंडिंग मोमेंट बनेगा बट विल सी दैट, ठीक है। सबसे पहले 16.5 हमने कैलकुलेट किया ऊपर 16.5, राइट, तो ये अब सीधी जंप अपवर्ड्स 16.5, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होगा, अब देखें ये आपके लिए कितना इजी है, इधर से आगे जाना इस तरफ को, कैसे जाएंगे, द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द डब्ल्यू लोडिंग, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू लोडिंग, कॉन्स्टेंट नेगेटिव, कॉन्स्टेंट नेगेटिव, तो स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट नेगेटिव, राइट, और इंटेंसिटी आपको पता है क्या है, I leave it to you to know that this point will be 19.5 kN. कैसे पता चला, 3 kN, सॉरी 12 kN पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 3, 36 डाउनवर्ड आना चाहिए इसको, आप ऊपर जा चुके थे, 36 नीचे जाएंगे तो माइनस 19.5 पे आप पहुंच जाएंगे, तो दिस इज एक्चुअली माइनस 19.5, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक जंप लगनी है ऊपर बेयरिंग बी की वजह से, एंड दैट जंप आई हैव टोल्ड यू इज 28.5 का मतलब ऊपर पूरा जाएंगे, तो ये जाहिर है 16.5 से ऊपर तक चले जाएंगे आप, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 28 तो टोटल जंप है ना, दिस पॉइंट विल बी 9 kN, ये आप चेक कीजिएगा, ये हमारा आज का काम नहीं है वैसे, ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पहले आते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है फिर, हाउ डू यू गो अलोंग फ्रॉम बी टू दिस साइड, कैसे जाएंगे, अगेन द इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू दिस, अब इंटेंसिटी उसकी चेंज हो रही है तो डाउनवर्ड ही, बट इट इज चेंजिंग, यानी कि फ्रॉम बिग डाउनवर्ड स्लोप टू एट द एंड जीरो स्लोप पे पहुंचना है, ठीक है ना, तो इसकी सिचुएशन जो बनेगी ना वो ये बनेगी, कुछ इस किस्म की स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इट विल बी समथिंग लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कर्व बहुत ज़्यादा स्टीप पे स्टीप कर्व, स्टीपनेस कम हो रही है 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 और जीरो पहुँच, राइट, और ये बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये जब आप करेंगे तो इससे आपको दो पॉइंट्स मिले, देखें इसका वी की जो बेसिकली ये शेयर फॉर डायग्राम वी है ना, इसका जो बेसिक यूटिलिटी है वो क्या है, दैट यूटिलिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंटेंसिटीज, ये जो इंटेंसिटीज है ना इसकी, इससे नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप डिसाइड होना, ये आपको पता है,
इसकी ये एक फायदा है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो जीरो पे, जैसे ये पॉइंट जीरो है, जैसे ये पॉइंट जीरो क्रॉस करता है ना, ये वो कैंडिडेट पॉइंट्स हैं जहाँ वो क्या था डी एम ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली क्या है, ये कहाँ होता है जहाँ वी जीरो होता है। तो हमें चूंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम चाहिए, तो इस डायग्राम की जो यूटिलिटी है ना बेसिकली, वो बेसिकली ये है कि इट हेल्प्स अस मेक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एंड नॉट ओनली इट हेल्प्स अस मेक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज प्लेसेस वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। यानी वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह बताया आपको, दो तीन कैंडिडेट मटीरियल बता जगह पॉइंट बता सकता है, लेकिन आपको वो सारे चेक करने पड़ेंगे। यू नेवर नो कि कौन से वाला होगा, ठीक है, बट यू हैव टू पिक द हाईएस्ट वन। लेकिन वो कहाँ से आएंगे कैंडिडेट, वो आएंगे सीएफओ डायग्राम से। अभी हम करते हैं आगे, ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब वी मूव अलॉन्ग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो पहले तो ये बात याद रखें कि बेंडिंग मोमेंट का कोई जंप वाला पोर्शन तो है नहीं, कोई कॉन्सेंट्रेटेड कपल तो है ही नहीं इस पूरे सवाल में, तो इसलिए हमें कोई मेन डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये इसी से बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यहाँ से शुरू करें, लेफ्ट से हमारा कन्वेंशन है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, राइट, ब्लू में बनाते हैं। इसकी इंटेंसिटी, इसका स्लोप होता है हर पॉइंट पर, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम है और फिर कम होते होते यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ स्लोप इसका जीरो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे होगा, फिर इंटेंसिटी कम हो रही है, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो वॉट वी गेट एज अ रिजल्ट इज समथिंग लाइक, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पोजिशन के बाद इंटेंसिटी कम होनी शुरू नेगेटिव हो जाती है, और पहले कम और फिर ज़्यादा, इसका मतलब कि पहले कम स्लोप फिर कम और मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर नहीं, ठीक है ना। तो जो सिचुएशन बनेगी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इस तरह करके ये जो पीक है ना, दिस कोइंसाइड्स विद दिस जीरो, ठीक, और फिर यूं आएंगे और यहाँ पे आप इस कोने में आप ये चोंच बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, उसके बाद यहाँ फिर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव में और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो इसका स्लोप पहले बहुत ज़्यादा होगा और फिर कम होते होते और एंड में इंटेंसिटी जीरो हो रही है, तो स्लोप जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको मैं ब्लू से बनाता हूँ, ठीक हो, ये हो गया ना। अच्छा, अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, यू हैव द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज दिस, के हमारा मकसद आज ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, शियरफोर्स डायग्राम बनाना नहीं है, वो तो ओल्ड न्यूज है, राइट। प्रॉब्लम ये है, वी आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन। डिज़ाइन में एक इक्वेशन आती है एम वाई ओवर आई, इसमें एम हमें मैक्स चाहिए। अब मैक्स दो पॉइंट्स पे हो सकता है, पहले भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ जीरो से पास होना है, तो यहाँ कितना मैक्स आ रहा है एम हमें नहीं पता। इसी तरह एक यहाँ जीरो से पास हो रहा है शियर फोर्स, तो इसके साथ कोइंसाइड एम जो कर रहा है वो भी हमें नहीं, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ही होगा जो मैक्सिमम है, ठीक है ना। यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन सा वाला है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई गिव टेल यू हाउ टू फाइंड आउट। भाई पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट पर कैंडिडेट पॉइंट वन और इसको पॉइंट टू कहते हैं, कैंडिडेट्स हैं। पॉइंट वन पे कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, यू नो व्हाट द पॉइंट वन इज। पॉइंट वन इज दैट पॉइंट वेयर बेयरिंग बी इज देयर। इसको अगर कैलकुलेट करना हो आपने, ऑल यू नीड टू डू इज बिल्कुल बी, मैं तो बिल्कुल बी पे तो नहीं काट सकते, बी से जरा एक माइक्रोन पहले काट के एक लेफ्ट हैंड साइड चाहे ले लें और उसकी सारी लोडिंग आपको डालनी पड़ेगी, या ऑन द अदर हैंड यू कैन टेक राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है, उसकी लोडिंग मतलब उसकी तो लोडिंग ली। तो इन एनी केस इसमें अगर ऐसे आएगा तो इसमें ऐसे आएगा, राइट, तो इसमें अगर ऐसे आएगा तो इसमें ऐसे एक ही चीज़ आएगी, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट एम एट पॉइंट वन, कोई वैल्यू आ जाएगी। वॉट अबाउट जो असल मसला है, वॉट अबाउट पॉइंट टू दो। पॉइंट टू में एक प्रॉब्लम है, पॉइंट टू आता कहाँ पर है, वेयर इज पॉइंट टू लाइंग एक्चुअली। ये इसकी लोकेशन एक्स डायरेक्शन में किस पॉइंट पर ये पॉइंट टू लाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें हिंट है, वो क्या है, एट पॉइंट टू शियर फोर्स इज जीरो, ठीक है, शियर फोर्स जीरो है ना। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, फर्स्ट लोकेट दिस डिस्टेंस एक्स, दिस डिस्टेंस एक्स। वो कैसे लोकेट होता है अभी देखिए, बहुत मज़ेदार काम है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता ना ए और बी के दरमियान कहीं आ रहा है, बी के आगे तो नहीं है, ए से पीछे तो खैर हो ही नहीं सकता, राइट। व्हाट यू डू इज यू टेक दिस ए
आर ए एंड दिस लोडिंग आप लें और दिस इज अननोन एक एक्स ले लें, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो हिंट क्या है, वी इज इक्वल टू जीरो, तो बेसिकली क्या होगा, आर ए आपको पता है 16.5 है, तो आप लिखेंगे समीशन ऑफ फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, 16.5 पॉजिटिव जाहिर अपवर्ड्स है, माइनस ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर है ना, माइनस 12 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इज इक्वल टू जीरो, ये वाई जीरो, हम ये कह रहे हैं कि इस ये वो पॉइंट है एक्स जिस पे वी जीरो हो जाता है, तो समझ गए कि अपवर्ड फोर्सेज आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, इसका मतलब है कि इससे आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे एक्स कैलकुलेट हो जाएगा एंड विच टर्न्स आउट टू बी 1.375 मीटर, इसे कैलकुलेट हो गया। अगर 1.375 मीटर कैलकुलेट हो गया तो ऑल यू नीड टू डू नाउ, ये अब हो गया ना 1.375 मीटर। इसी तरह नीचे ये भी वही पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट पर v जीरो है उसी पॉइंट पे m मैक्स है, ठीक हो गया। अच्छा अगर ये आपने कर लिया तो ऑल यू नीड टू डू नाउ इज जस्ट कैलकुलेट दिस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको x का वैल्यू पता है 1.375, यहाँ आप फोर्स वही लगाएंगे 16.5, ठीक है। अच्छा और ये जो फोर्स है ना जो इस पे डाउनवर्ड लग रही है 12 किलो न्यूटन, ये अब आप कैलकुलेट कर लेंगे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही 1. ये जो कोई चीज़ आ रही है, ठीक है ना, और वॉट समझ लेना ये आ जाएगी 12 इंटू 1.375। अच्छा और ये एक्ट कहाँ करेगी, सेंटर, क्यों ये रेक्टेंगुलर है, सेंटर करेगी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये 1.375 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अगर आप ये करेंगे तो इस पॉइंट पे m क्या वैल्यू है, ये आप कैलकुलेट करें, समीशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट पॉइंट a ले सकते हैं, जीरो करें, इसका मोमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मोमेंट ऐसे आएगा, इसका मोमेंट ऐसे आएगा, बैलेंस करेंगे m की एक वैल्यू आएगी, राइट। अच्छा ये दो m कैलकुलेट हो जाएंगे ना, एक m आएगा एट दैट पॉइंट जहाँ ये ट्रांजिशन हो रही थी, ये वाला कैंडिडेट पॉइंट वन, एक दूसरी ट्रांजिशन यहाँ हो रही थी, यहाँ दोनों में जीरो पास हो रहा है, ठीक है ना, यही तो नज़र आ रहा है ना जो हो सकते हैं। इस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लेट मी गिव यू एन आंसर, ठीक है, मैं आपको आंसर देता हूँ कि इसका जो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो ये वैल्यू होगी, क्योंकि हमें फिगर देख के पता नहीं चल सकता इतने आराम से, ऑल्दो फिगर को भी अगर आप सही तरह बनाएं तो पता चल जाता है, बट डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप फुटे लेके नापते रहें या कुछ, ठीक है ना, आप ट्रेंड बना लें फिगर से, उसके बाद जिस पॉइंट पे आपका कैंडिडेट पॉइंट है उसको कट करके आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मेरा इसका जो आंसर है वो ये है, आप दोनों जब कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड आउट दैट एम मैक्स इज एट दिस कैंडिडेट पॉइंट 2 एंड इट्स वैल्यू विल बी 11.34 किलो न्यूटन मीटर्स। इसका मतलब है कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, उससे नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव ओनली टेल्स यू हाँ वेदर स्ट्रेस इज कंप्रेसिव और याद करें स्माइली बनता है या क्या बनता है, उससे कोई स्ट्रेस की क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वहाँ नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ जाती 11.34 से मैग्नीट्यूड में तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मतलब ये नहीं आपने बात करनी कि बिकॉज समथिंग इज नेगेटिव तो नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, नहीं, यहाँ इंटेंसिटी की बात हो रही, बट वॉट आई एम टेलिंग यू इज एट कैंडिडेट पॉइंट 1 यू विल गेट अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अगर ऐसी बात है तो उसको तो यूज़ करने का फायदा कोई नहीं, राइट। कमिंग बैक टू आर इक्वेशन, अब हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, असल इक्वेशन थी सिग्मा अलाउएबल इज इक्वल टू एम मैक्स सी ओवर आई। अच्छा आई क्या है, पाई ओवर 4 सी की पावर 4 सिग्मा अलाउएबल, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमने कैलकुलेट ही, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका सी जो है ना ये एक कैट कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। Putting in the values, just put the value, यहाँ 180 given है, m max अभी 11.34, इसको 10^6 मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किलो न्यूटन भी है और मीटर भी है, किलो न्यूटन को चेंज करने के लिए, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 3 हो गया और मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए और 3 हो गया, यानी कि 10^6। अच्छा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 180 is an MPa और MPa क्या होता है, न्यूटन पर
स्क्वायर मिलीमीटर, ये होता ना, तो यहाँ न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर चल रहा है तो यहाँ कैसे मैं किलो न्यूटन, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, या मैं उसको चेंज कर दूँ, ठीक हो गया। तो मैं, मेरा जो स्टाइल है वो है कि मैं न्यूटन मिलीमीटर में चलता हूँ, हर चीज़ को कर लेता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रेसेस एमपीए में आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इज द राइट कॉम्बिनेशन। सम पीपल डू इट न्यूटन मीटर, बट देन फॉर एमपीए दे नीड टू फाइंड आउट टू यूज पास्कल, ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है। तो आइदर चेंज दिस और दैट, मिक्स नहीं चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय सी तो कट गया था ना, पाई बाय 4 सी की पावर 3, ठीक हो गया। तो सी की पावर 3 जो है ना, उसका वैल्यू आ जाएगी 802.11.11। सी की जब आप क्यूब रूट लेंगे तो 43.12 आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर, अगेन मिलीमीटर। तो डायमीटर मालूम करना था, 43.12 को डबल करते हैं, 86.3 मिलीमीटर। अच्छा, ये 86.3 मिलीमीटर का कोई शाफ्ट आपको दुनिया में मिलेगा नहीं, ठीक है ना, आपकी सहूलत के लिए उन्होंने हर डेसिमल पॉइंट का शाफ्ट नहीं बना के रखा हुआ। तो लेट्स से के इसको 90 मिलीमीटर करना, वो हो सकता 90 भी ना मिले, बट दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज, वी अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पूछिए, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें, इस सवाल में, यानी इसमें बेसिकली हमने जो काम किया ना, वो हमने बेसिकली जो काम किया है वो बहुत टाइम तो हमने लगा लिया उस पर, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को। अगले सवाल में आप देखिएगा टाइम इसलिए लगेगा कि उसमें हमने सिर्फ वो वाला काम करना है जो हम रिसेंटली करते आ रहे हैं, वो क्या, एम इज गिवन टू यू। ये एक सवाल इसलिए करा दिया आपको स्टार्ट से कि अक्सर रियल लाइफ में तो लोडिंग से स्टार्ट होती है ना बात, रियल लाइफ में स्टार्ट होती है बात लोडिंग से, और एम गिवन नहीं होता। जब एम गिवन नहीं होता तो हाउ कैन यू देन स्टार्ट अ प्रॉब्लम विद एम। तो एक दफा आपको बताया कि भाई रियल वर्ल्ड में आप लोडिंग से स्टार्ट करेंगे और लोडिंग से आप कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट्स, और बेंडिंग मोमेंट एक दफा आ जाएंगे, उसके बाद तो सिंपल आपने टॉर्जन फार्मूला, ये बेंडिंग फार्मूला लगाना ना, उसके बाद तो कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, पूछे सवाल करें। सर ये जो जे होता था, जे पाई बाय 2 के साथ था ना? हाँ, वो उसका था, पोलर मोमेंट था। हाँ, जे पाई बाय 4 के साथ है, ये पाई बाय 4। अच्छा, आपको एक मजे की, मजे का रिलेशन बताऊं? जी एक एक मजे का रिलेशन है, जे जो होता है ना वो एक्चुअली ये अगर है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ना ये वाई एक्सिस है। हम जो आई, अभी हमने आई यूज किया ना, ये हमने एक्स एक्स आई यूज किया, यानी मोमेंट अबाउट, ये वाला मोमेंट यूज किया, ठीक है ना, एरिया अबव एंड एरिया डाउन, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ऐसे आ रहा था ना, ठीक है ना। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस भी तो आ सकता है, तो फिर देखिए सर्कल के केस में, तो सर्कल के केस में तो पाई बाय 4 सी की पावर 4, चाहे आप आई एक्स एक्स कैलकुलेट करें या आई वाई वाई कैलकुलेट करें, सर्कल है ना तो सेम आएगा, अबाउट वाई एक्सिस लें या एक्स एक्सिस लें, एक ही बात है, राइट। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी हाइट जो है ना वो डी कर दें और इसकी विड्थ जो है ना बी कर दें, तो इसका अब आई एक्स एक्स जो आएगा ना, आई एक्स एक्स वो आएगा बी डी क्यूब ओवर 12। ये आपने, आपको पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के आई बी डी क्यूब बाय 12, ठीक हो गया। लेकिन इसका जब मैं आई वाई वाई करूंगा ना, तो वो डी बी क्यूब बाय 12 आएगा, वो फर्क है ना, आई वाई वाई डी बी क्यूब बाय 12, सर्कल में तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना इस केस। लेकिन मैं जो असल बात आपको बता रहा था वो ये था कि लेट से ये सर्कल है ना, इसका एक आई एक्स एक्स है और एक आई वाई वाई है, ठीक है। और वो जो जे आप बात कर रहे हैं ना, जे वो जो हमने जे किया था, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन ये टाइम अभी नहीं है। तो आप करें पाई बाय 4 सी की पावर 4 प्लस पाई बाय 4 सी की पावर 4, तो पाई बाय 2 सी की पावर, वही जो समझे ना, अगर भूल जाए तो याद कर लें, उसका हाफ होता है, ठीक हो क्या। अच्छा, तो सर एक बॉडी के अंदर ये दोनों होते हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ना लोडिंग किस तरह की है। सर देखें, जब टॉर्जन होगी ना तो दोनों इन्वॉल्व होंगे, आप खुद सोचें, इसको जरा टॉर्क दें, इसको जरा टॉर्क दें, तो इसमें इस तरह की मोशन नहीं है कि अबाउट वाई एक्सेस या अबाउट एक्स एक्सेस कुछ हो रहा है, वो सर्कुलर टाइप चीज हो रही है ना। जबकि अभी हम जो लोडिंग देखी थी ना, वो क्या थी, ऐसे
ये बेंडिंग मोमेंट था, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा, ठीक है ना, तो आई ही इस्तेमाल होना चाहिए। बॉडी में तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें होती हैं हमेशा, लेकिन लोडिंग कौन सी लग रही है उसके हिसाब से फैसला होगा कि कौन सी चीज़ आप समझ लें कि रेलेवेंट है और कौन सी इरेलेवेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल देखिए सर, इससे पहले एक छोटा सा सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो करें जी जी सर। उसके अंदर ये एक्स हमने डिफाइन किया, ठीक है, हमें पता नहीं था कि कहाँ शियर फोर्स जीरो हो रही है, हमने उसको मतलब एक्सेप्ट कर दिया और मान लिया कि ए जो ये ए और बी के दरमियान में कहीं है। हमें नजर ही आ रहा था कि ए और बी के दरमियान में कहीं है, ये नहीं पता कहाँ है, बट ये तो पता ना इनके बीच में है, तो हमने वहाँ से उसको कट किया एक इमेजिनरी प्लेस जिस पे एक्स वेरिएबल रखा और हमने फाइंड किया कि वो कौन सी जगह एक्स की होगी जहाँ वी जीरो हो जाएगा, तो वो एक्स मालूम कर लिया सर। क्योंकि यही मेरा सवाल था कि ए से बी में कहीं भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चले जहाँ जहाँ जीरो है ये वही वाला हमने निकाला है। ओ अच्छा, ठीक है, ओके। ट्वेल्व किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 16.5 किलो न्यूटन था शायद, ये एक्स है, ठीक है, ये वी इज इक्वल टू जीरो है। किसी का इस सिस्टम पे वर्टिकल फोर्सेस कितनी लग रही हैं? दो लग रही हैं ना, एक 16.5 अपवर्ड और डाउनवर्ड 12 किलोमीटर पर मीटर, यही लग रही हैं, ठीक है ये बात जी जी। अच्छा, वी जीरो का मतलब है कि ये कुछ नहीं है, तो दो ही फोर्सेस हैं, दोनों को बैलेंस होना चाहिए, यानी वो कौन सा पॉइंट है जिस पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड? वो पॉइंट है 16.5 प्लस माइनस 12 इनटू एक्स, देखिए किलोन्यूटन पर मीटर है और ये एक्स इन मीटर्स है, तो कितना मैं एक्स लूँ कि ये 12 को मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो इक्वलाइज कर दे इफेक्ट को 16.5 के, इसको इक्वल, बेसिकली हम एक्स वो रख रहे हैं जिस पे डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देती है, ये एक्स कैलकुलेटर का। अच्छा ठीक, अगर अच्छा एक और अगर अभी भी इशू है, इस एक्स से जरा सा पहले काट लें, जरा सा पहले पीछे काट लें या किसी भी पॉइंट पे उससे पहले काट लें, तो अपवर्ड फोर्स विल बी ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स। इस एक्स से जरा सा इधर राइट पे काट लें तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब है इन दोनों केसेस में यहाँ सेक्शन पे भी वी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, बैलेंस तो करना है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज तो हर जगह बराबर होती है, राइट, बैलेंस जरूरी है ना। ये वो पॉइंट है जहाँ वी कट सेक्शन पे वी आएगा ही नहीं, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड इस सेक्शन पे बैलेंस हो, इससे पहले वी को अपवर्ड होना चाहिए, इससे आगे वी को डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन इस सेक्शन पे वी जीरो होगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू गेट दिस? यानी हम ये कह रहे हैं कि वर्टिकल फोर्सेस आपस में बैलेंस करके शियर फोर्स जीरो इस पॉइंट पे है, यही कह रहे हैं। और वो क्यों? हाँ, और क्यों जीरो? हमें पता है जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहाँ शियर फोर्स जीरो होती है। बिल्कुल ठीक है। कि भाई लोडिंग तो आपको पता होता है ना, एक चीज़ की डायमेंशंस पता होती है, बीम इतनी बड़ी है, इस पर इतना ट्रक ने गुजरना है, इस पर बंदे ने खड़ा होना है, इसमें हाथी ने खड़ा होना है, क्या करना है, वो तो नीड से आती है ना, रियल लाइफ की नीड से आती है लोडिंग। यहाँ पे तो ये तो बड़ा टेक्स्ट बुक का ही सवाल है कि M75 भाई M कहाँ से आया M75, लेकिन अब आप इतने मच्योर मशाल हो गए हैं कि वॉट दिस प्रॉब्लम इज टेलिंग यू इज कि वो चाहता तो कोई इस तरह की लोडिंग दे के फिर वहाँ से कैलकुलेट करवा के आ सकता था, लेकिन हर सवाल में हम ए से तो नहीं शुरू कराते आपको, वो आपको एम्पल प्रैक्टिस कर चुके हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की, लोडिंग से वहां तक पहुंचना, वो एक पार्ट हो गया ना। अब लेट्स से किसी सवाल में एक ऐसा सेक्शन था, ये वाला सेक्शन जो गिवन है, और इस सेक्शन पे मैक्सिमम जो पॉइंट है लोडिंग का वो 75 न्यूटन मीटर एम बन रहा है उसमें। अब क्या करना है, वॉट आर द स्ट्रेसेस दैट आर कॉज्ड ऑन दिस? तो अब ये आपकी मेहनत को उसने आधा कर, ठीक है, यानी इससे तो इसमें ये परेशानी होना, ये कहाँ से आया, कहाँ से, कहीं कोई लोडिंग होगी जिससे ये एम आ गया। अब व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, इफ दिस इज मैक्सिमम एम, व्हाट यू हैव टू डू टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो आई है ना, यानी हमने क्या कहा था, न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड से पास होता है, तो सेंट्रॉइड जो जितने भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी
सिमेट्रिक सेक्शन होते हैं ना, अगर ये एक्सिस है ना जिसके अबाउट मोमेंट आ रहा है, इस केस में ये ए ए ये आ रहा है, ठीक है, इसमें हमेशा न्यूट्रल एक्सिस हमेशा हाफ हाफ होता है, क्यों? इक्वल एरिया इज अबव, इक्वल एरिया इज बिलो, इक्वल एरिया इज अबव, इक्वल एरिया इज बिलो, जहां भी सिमेट्री होगी, जहां भी मिरर इमेज, ये यहाँ पे शीशा रख लें इस जगह पे, अगर ऊपर और नीचे शीशा का इमेज आ रहा है जो रियल वर्ल्ड और उसका, तो इसको मतलब है कि एक ही चीज। लेकिन अच्छा ये एक और एग्जांपल सिमेट्री की, ये भी सिमेट्री का, जो ऊपर एरिया है हाफ से ऊपर वही हाफ से नीचे है, तो इसका भी न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर से पास होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर इस तरह की चीज आ रही है, अब अगर मैं लेट्स से ज्योमेट्रिकली अगर ये 100 है और मैं इसको 50-50 कह दूं, इन केसेस में तो कह दूंगा 100 को 50-50, इसको मैं कह दूं 50-50 फॉर एग्जांपल, तो आप नोट करें भाई इधर तो एरिया बहुत ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ एरिया ये वाला बहुत ज्यादा होगा, नीचे वाला का मोमेंट इस तरह ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका बैलेंस कहाँ होगा? जहां एरिया कम है वहां फिर, यानी जहां पे उसकी थिकनेस कम है वहां फिर हाइट ज्यादा हो जाएगी, उसको बैलेंस कर। बेसिकली व्हाट वी वांट, वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होता है, जिसके ऊपर एरिया इज इक्वल टू द डाउनवर्ड एरिया। ये असल में सवाल ये बस इतना सा, ठीक हो गया। इस सवाल में हमने जो काम करना है ना वो ये करना है। अब देखिए इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि लोडिंग से शेयर फोर्स डायग्राम बनाए फिर बेंडिंग, वो हमें इसमें करके दे दिया। व्हाट वी नीड टू डू इज दिस, ये इसी डायग्राम को मैं, मुझे इजाजत अगर दें तो मैं, पहला काम हमारा रूल ऑफ बिजनेस जो है ना वो फाइंड आउट करना है इसकी लोकेशन, लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जो कि इसमें ऑब्वियस नहीं है। ये मुझे माफ फरमाइए, ये सीधी लाइनें हैं ये सारी, ठीक है। अच्छा ये देखे ना, ये ठीक है ना, तो मैं इसी को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आई विल मेक द सेम थिंग, इसमें परेशान नहीं होना। ये 10, ये भी 10, ठीक है, सेम डायमेंशन में बना रहा हूँ जो उस पर बनी हुई है, सिर्फ मैं 2D में बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए, ठीक है। 10, ये सिचुएशन, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें आप, अगर ये सवाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगले सवालों में ये नहीं कराऊंगा तो, क्योंकि फिर जल्दी गुजरेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये एक बिल्कुल नीचे भी इसी तरह का एक 10 मिलीमीटर का आ जाता, तो ये सवाल फिर बिल्कुल वही सवाल था जो इसका, फिर बिल्कुल सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस पास होता, क्यों? क्योंकि एरिया बिलो दिस वन एरिया वुड हैव बीन इक्वल टू द एरिया दिस वन, जो पिछले सवाल में था, सर्कल था ना, रेगुलर सेक्शन मिरर इमेज, ये अब चूंकि नहीं है, ऐसे नहीं है, तो अब ये इतना सादा काम नहीं है कि भाई न्यूट्रल एक्सिस जो है बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, नहीं सेंटर से नहीं, अपर, ये 40 का जो सेंटर है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर से कहीं से पास होगा, कितना ऊपर से होगा अभी मालूम कर लेते हैं, बहुत आसान काम है। इसका तरीका कार ये होता है कि व्हाट यू डू इज, ये आपने चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, हमें एक इमेजिनरी लाइन गुजारे हैं, थोड़ा आपकी इंट्यूशन के लिए मैं ज़रा इसको ऊपर से एग्जैजरेटेड ऊपर से गुजार रहा हूँ, तो हमें पता है कि सेंटर से ऊपर होगा कहीं, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये इसका जो ओवरऑल जो मैट्रिक सेंटर है उससे थोड़ा ऊपर कहीं होगा, ठीक है, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और वही वाली हमारी बात, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता हम उसको क्या कहते होते हैं, एक्स, ये कोई इमेजिनरी पॉइंट है एक्स, ठीक है, ठीक हो गया ना, इसको हमने मालूम करना, और इसको हम x नहीं कहते आमतौर पर ना, इसका यानी x ही कहते हैं वैसे, लेकिन इसको हम y इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये y डायरेक्शन है एक तो, और दूसरा इसको बार इसलिए लगा देते हैं कि ये बार ये कह रहा है कि ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जो जिस पे न्यूट्रल एक्सिस पास कर, ठीक हो गया, ये हमने अब मालूम कर लिया, लेट्स डू इट, बड़ा आसान है। इसका काम तरीका कार क्या होता है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करें, 1, 2, तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करना, एक्चुअली तो ये लाइन नहीं थी ना, ये लाइन को जुड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप इसको तीन रेगुलर सेक्शन में डिवाइड करना। वाई का फार्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल है, वाई का कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने करना क्या है, तो ये बताता हूँ, वाई वन ए वन
प्लस वाई टू ए टू प्लस वाई थ्री ए थ्री ओवर, अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये वाई वन क्या है, ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू ए थ्री तो आसान है ना, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। वॉट अबाउट वाई वन एंड वॉट अबाउट ए वन, तो ये ए वन तो बड़ा आसान है, ए वन दिस एरिया इज ए वन, दिस इज ए टू एंड दिस एरिया इज ए थ्री, ये तो बहुत सादा है। अब सवाल है वाई क्या है, तो वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये नीचे से भी कर सकते हैं, हम ऊपर से कर रहे हैं नीचे से भी कर सकते हैं इसको, डजंट मैटर। अच्छा, इस पॉइंट से उस एरिया के सेंट्रॉयड तक का, उस एरिया के सेंट्रॉयड, ठीक है, बस इतना सा। तब ये आप करेंगे तो आपको इस पूरे कंपाउंड फिगर के सेंट्रॉयड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक हो गया। यानी बेसिकली हम ये इसको, अगर मैं, अगर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है ना, वैसे तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ जो है ना इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। हम क्या कह रहे हैं, ए वन ए टू ए थ्री के एरियाज को ऐड करके एक खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से, जिसका मतलब ये होगा कि ये सारे कॉम्बिनेशन उसके बराबर हो जाए, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज दीज प्रोडक्ट्स, ऊपर के जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ये अपने अपने एरिया के फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरियाज हैं, लेकिन हमें चाहिए कंपाउंड पूरे स्ट्रक्चर का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, यानी डिस्टेंस टू द न्यूट्रल एक्सिस, वो वाइड बार है, और टोटल डिस्टेंस, टोटल जो एरिया है पूरे स्ट्रक्चर का वो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह देखें तो इट इज़ वेरी इजी टू सी, ठीक है। अच्छा, इसको अब सॉल्व अप करना है, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए वाई वन, अब आपने मुझे बताना है वाई वन क्या है, ये 10 है, 10 है ना, दिस इज 10, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे रेफरेंस से, इधर से सेंट्रॉयड तक आना, तो इसका सेंट्रॉयड तो ये है ना, तो 5 बाय 1 5 है, 10 का हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 क्या है, एरिया 1 इज 18 टू 10, 18th विड्थ इन 10, ये एरिया 1, ये मैं ब्रैकेट, ये चीज़ है और ये है, ठीक है। अच्छा, वाई टू पहले एरिया टू देख लें, एरिया 2 40 इंटू 10, ये एरिया 2 है ना, 40 इंटू 10 तो एरिया हो गया, इसका वाई क्या है, जरा गौर से देखिए क्या है वाई, कौन बताएगा, ये 40 का हाफ, इस एरिया का जो है ना वो, ये डिस्टेंस 20 है सेंटर, इसका हाफ सेंट्रॉयड 20 में, ये 20 के रेफरेंस पॉइंट ये है, 20 प्लस 10 30, ठीक हो गया ना। अच्छा, प्लस वाई थ्री, अगर आप नोट करें ये जो वाई थ्री ए थ्री, ये एग्जैक्टली यही आना चाहिए, क्योंकि ये उसका आइडेंटिकल है, 30 40 इंटू 10, ठीक है, ओवर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, 80 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 10, क्योंकि जो वाई बार की वैल्यू आएगी ना वो 17.5 आपके पास। सही, 30 वाला दोबारा बताइएगा, समझ नहीं आया, 30 समझ नहीं आया, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है ही नहीं ना, रेफरेंस पॉइंट तो ये है, तो इसमें 10 वो भी तो ऐड करें ऊपर वाला, सही, ठीक हो गया ना। तो वो आप 20 तक पहुंचे हैं, 20 इसमें, मतलब इसमें आपने उस एरिया को तो लेना होता है, उस एरिया का सेंट्रॉयड लेना होता है, लेकिन इसको नापना आपने सेंट्रॉयड को उस एरिया के टॉप से नहीं होता, उस रेफरेंस पॉइंट के टॉप से होता है, तो इसलिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो जाती होती, ठीक है ना, जैसे अभी हुई है। तो अगर ये 17.5 मिलीमीटर आपके पास आंसर आ गया, तो ये आपके पास बेसिकली, यानी आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, y बार आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक छोटा सा स्टेप, ठीक है, और वो स्टेप ये है कि हम इसका लेट से i कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, अब i जब कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग भी जाए, कोई बात नहीं, अगले, बस दिस इज द लास्ट मेजर पॉइंट, इसके बाद तो कोई नई चीज रह नहीं जाएगी, क्योंकि एक रेगुलर सेक्शन पहले कर चुके हैं, इरेगुलर सेक्शन ये आ गया, इरेगुलर सेक्शन इसके बाद जितने भी आएंगे वो इसी तरीके से, रेगुलर सेक्शन जितने भी आएंगे, तो इसके बाद हम 4 प्रॉब्लम करें, 2 करें, 1 करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट आ गया, जब मैं आपसे कहता हूँ कि सर ये वाला क्रॉस सेक्शन इसका
ये बी और ये डी है और ये बी है, तो इसका जो आई होता है अबाउट एक्स एक्सिस, ये होता है बी डी क्यूब ओवर 12। इसी तरह अगर सर्कुलर सेक्शन अभी पिछला किया था तो मैं एक्स एक्सिस ठीक है ना, तो आई एक्स एक्सिस का होता है पाई ओवर 4 सी की पावर, सी क्या है रेडियस ठीक है ना, या आपको ऐसा देखिए पावर 4 आ रही है, मिलीमीटर की 4 पावर आती है चाहे जो भी ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है ठीक है। अच्छा अब डेफिनेशन कैसे है मतलब इसमें जरा सोचिएगा कि क्यों आती है ठीक है। अच्छा बारह अब क्वेश्चन ये है कि ये आई एक्स एक्स ये अबाउट अबाउट विच पॉइंट आते हैं, अबाउट द सेंटर ऑफ एरिया, बिल्कुल सेंट्रोइड ठीक है ना। तो आपने जब ये वाला सेक्शन लिया था इसका जो आपने कैलकुलेट किया ना, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया पाई बाय 4 सी की पावर 4, तो अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस आ गया जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस वाज परफेक्ट फॉर दैट बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ एरिया वाज अबव इट, द सेम अमाउंट ऑफ एरिया वाज बिलो इट, इन अदर वर्ड न्यूट्रल एक्सिस वाज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड राइट, तो ये तो कोई इशू नहीं। अच्छा अब इस सवाल में जो हम सवाल कर रहे हैं, अगर ये इस तरह का रेक्टेंगुलर सेक्शन और सेंट्रोइडल एक्सिस यहां से गुजर रहा होगा न्यूट्रल एक्सिस, तो फिर तो बड़ा आसान था ना, बजाय हम पाई बाय 4 सी की पावर 4 के, ये तो सर्कल का है ना, हम इसका रेक्टेंगुलर करते बी डी क्यूब ओवर 12, हम ये कर रहे हैं, ये भी फॉर्मूला आपको पता है किसी भी हैंडबुक से मिल जाएगा आपको, ये बी है और ये डी है ठीक है, ये हम कर लेते तो आंसर आ जाता, आई आ जाता। प्रॉब्लम क्या है इसमें आप नोट करें, इस सवाल में कोई भी सेक्शन, तीन है ना इसके पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स हैं ऐसे ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट किया कि इसकी 17.5 डिस्टेंस आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस का, इस क्वेश्चन का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इधर से गुजर रहा है और ये जो डिस्टेंस है ना ये ऊपर से चुके नापा था 17.5। अच्छा अगर कोई बंदा नीचे से करता इसको रेफरेंस पॉइंट रख के, फिर ज़ाहिर जो डिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, एरियाज तो वही रहते हैं, इसका एरिया तो वही है, इसका एरिया भी वही है, इसका एरिया भी वही है, बट वो जो वाई की वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है ना, जब वाई बार आप नीचे से कैलकुलेट करते हैं ना तो वो ऑब्वियसली 32.5 आता क्योंकि टोटल ये दोनों मिला के आपको पता है कि क्या डिस्टेंस है ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं ये बी डी क्यूब से इसका कैलकुलेट कर लूँ, बी डी क्यूब बाय 12 से हो जाएगा आई कैलकुलेट, यस, बट वो आई अबाउट दिस एक्सिस होगा ना जो इसका इसका सेंट्रोइड। अच्छा इसको मैं बी डी क्यूब बाय 12 से कर लूँ तो वो इसका सेंट्रोइड, वो जो अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि ये डिस्टेंस जो है ये तो 20 है, ये तो अबाउट 20 यहाँ, हमें तो हमें जो आई चाहिए ना वो ना इस पे चाहिए ना इसके, हमें तो इस वाले पे चाहिए ना आई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये वन ऑफ द वर्टिकल बार्स मैं आप शो कर रहा हूँ, वन ऑफ द वर्टिकल बार्स दो हैं, इनमें से दो को दो है ना, न्यूट्रल एक्सिस हमारा पास हो रहा है इधर से, जबकि इसका अपना सेंट्रोइडल एक्सिस तो यहाँ है ना, ये तो देखिए ना ये तो 20 वाला जगह, जबकि ये और यहाँ से ये 10 भी है, जबकि ये पॉइंट तो 17.5 है ना, हमें आई चाहिए नॉट अबाउट दिस पॉइंट जो कि बी डी क्यू बाय 12 से मिलेगा, हमें चाहिए अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द होल सिस्टम। वो फाइंड आउट क्यों किया, इसलिए फाइंड आउट किया ना, एक पूरा स्ट्रक्चर का न्यूट्रल एक्सिस होता है, उस स्ट्रक्चर के अबाउट आई चाहिए होता है ठीक हो गया। अच्छा ये सारी बहस मैंने एक्स्ट्रा कर दी, जरूरत इसकी इसलिए नहीं थी कि ये कोई आपके लिए अजनबी चीज़ें नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए अजनबी है ना एक चीज़ जिसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि आई अबाउट एनी सब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई वन अबाउट एनी अदर एक्सिस प्लस एरिया, यानी इसको इसको आप ये कह दें कि इसको एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन आई एंड। अच्छा अब आप नोट करें, मैं बी डी क्यूब बाय 12 से जो चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से ये तो इसकी सेंट्रॉइड पे आ जाएगी, अगर प्रॉब्लम का सेंट्रॉइड भी वही है
जो कि सिमेट्रिक सिस्टम में होता है, तो फिर तो मुझे पैरेलल सिस्टम लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आई एम लगा भी दें मैं ये कैलकुलेट करूंगा बी डी क्यू बाय 12 से प्लस ए एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इसका इस एक्सिस और इस एक्सिस का डिस्टेंस जीरो है, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाए, तो यू गेट द सेम। बट ये आपने कैलकुलेट किया वो तो इसके अबाउट आ गया, हमारा सिस्टम ये है ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल बार है उसका तो इस सेंट्रोइड के अबाउट आएगा, जबकि हमें पता है कि 17.5 के डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस लाया करता, हमें तो इस पे इंटरेस्ट है ना। इसका तरीका क्या होता है, बी डी क्यूब से ये कैलकुलेट कर लें प्लस एरिया, इसी का एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कौन सा बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस ये वाला एंड द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द एरिया दैट यू आर कैलकुलेट। ये बहुत डिटेल में जाकर बता दिया, हालांकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको इतना डिटेल में बताने की जरूरत थी नहीं, बट हर्ज नहीं है इसमें। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस स्ट्रक्चर, अब हम करने लगे, याद कीजिएगा मैं इसको बल्कि इधर आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ये ठीक रहेगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमें जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, प्रॉब्लम का न्यूट्रल एक्सिस वो ये वाला वो 17.5 ठीक है। अब ये पता चल गया इसका आई, अब पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट होगा जरा देखिए। आई ये टोटल कैलकुलेटर है, सबसे पहले आई वन, इसको आई वन लें, आई वन प्लस ए वन डी वन स्क्वायर, ये मैंने पैरेलल एक्सिस अच्छा प्लस ये आई टू प्लस ए टू डी टू स्क्वायर, और मैं इसके बाद प्लस आई थ्री इंटू ए थ्री ए डी थ्री भी करूंगा, लेकिन आप नोट करें आई टू और आई थ्री, आई टू आई थ्री ए टू ए थ्री डी टू डी थ्री, ये सब सेम है, तो मैं इसको सिंपल करने के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब तीन दफ़ा कर लें बट डजेंट मैटर ठीक है ना, क्लियर है ना ये बात। अच्छा इसमें आप जरा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपके सामने डायमेंशन मौजूद हैं, अब जरा देखिए आई एक को देख लें बाकी क्लियर हो जाएंगे। आई वन इसको कंसिडर दिस बी डी क्यूब ठीक है ना, तो आपको बेसिकली इसमें 80 बी है विड्थ, डी 10 क्यूब ओवर 12, ये तो आ गया सिर्फ आई, बट दिस इज अबाउट दिस एक्सिस, हमें अबाउट दिस एक्सिस चाहिए प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ए इसका क्या है 80 इंटू 10, एरिया इसका क्या है 80 इंटू 10 है, इंटू वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ग्रीन में शो कर रहा हूं ये डिस्टेंस के। सर मुझे पॉइंट ये क्लियर नहीं हुआ कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस तो आ गया ना, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो इसलिए किया जा रहा है कि बगैर न्यूट्रल एक्सिस इस्तेमाल बगैर पैरेलल ये बी डी क्यूब जो आपको ये आपके सामने ये सवाल है ना, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं ये बी डी क्यूब इस वाले पे लगाता हूँ, इसका बी ले लेता हूँ और इसका ये डी ले लेता हूँ और ये कैलकुलेट करता हूँ, तो ये जो मुझे निकाल के देगा ना मोमेंट ऑफ इनर्जी, मोमेंट ऑफ एरिया जिसको कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ठीक है, वो अबाउट किस पे लेंगे, अबाउट द सेंट्रोइड ऑफ दिस, क्लियर है ये बात, पिछला सवाल था उसमें सर्कल था ना, एक सर्कल था बस, सर्कल सेंट्रोइड पे आया वो सर्कल ही था, उस सवाल में अगर मैं सर्कल के ऊपर एक ये चीज लगा देता लेट से, तो अब इस सर्कल का तो न्यूट्रल एक्सिस ये है सेंटर, इस स्ट्रक्चर का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इस सर्कल का सेंटर नहीं है, वो जरा ऊपर का क्या आएगा क्योंकि इसका भी रोल प्ले करेगा ना, इसमें मुझे इसका ए कैलकुलेट, इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा, फिर इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। इधर भी ऐसा ही है कि अगर ये खाली सवाल होता तो बस इसके सेंट्रॉइड पे आप न्यूट्रल एक्सिस होता तो बस ये बी डी क्यूब सेंट्रॉइड के ऊपर ही है और न्यूट्रल एक्सिस पे ही है, हमारा इस स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ें भी लगी हुई है ना, इन दो चीज़ों के लगने से जो स्ट्रक्चर का न्यूट्रल एक्सिस है ना वो यहाँ आ जाता है, हमें
न्यूट्रल एक्सिस तो हमारे स्ट्रक्चर का ये वाला है ना, तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका चाहिए ना, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, वो अबाउट दिस चाहिए, नॉट अबाउट दिस चाहिए. ये आप समझे बात की, मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी. वी आर इंटरेस्टेड इन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट ऑफ दिस. ये बी डी क्यूब आपको देता है उस पार्ट की सिर्फ, अगर मैं ये क्लियर कर सकूँ. अच्छा ठीक है, यानी हम ओवरऑल किसी भी यानी कॉम्प्लेक्स फिगर का न्यूट्रल एक्सिस की मदद से पूरे का नहीं निकाल सकते. वो डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, डायरेक्ट निकालना मुश्किल है. आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल, क्योंकि देखें मजबूरी क्या है, आप फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला आपको सेंट्रोइड पे देता है. फार्मूला आपको उस, देखिए बी डी क्यूब तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, वो तो एक सिर्फ रेक्टेंगल पे इस्तेमाल हो सकता है. हमारा ये स्ट्रक्चर रेक्टेंगल तो है नहीं, हमने इसको तीन रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया जबरदस्ती. अच्छा, आप उनमें से कोई एक रेक्टेंगल भी उठा लें, जब बी डी क्यूब इस्तेमाल करेंगे तो वो उस रेक्टेंगल, जैसे ये है एरिया वन, एरिया वन को का बी डी क्यूब इस पॉइंट पे देगा. एरिया टू सिर्फ ये वाला एरिया, तो इसका अबाउट दिस पॉइंट. एरिया थ्री भी अबाउट दिस पॉइंट. लेकिन इस पूरा स्ट्रक्चर का जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, वो तो है यहाँ से कहीं से पास हो रहा है. हमें इसका आई थ्री भी इस पे चाहिए, आई टू भी मुझे इस पे चाहिए, आई वन भी इस पे इसी पे चाहिए. तो मैं करता क्या हूँ, डायरेक्टली तो उस पर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम करते क्या हैं, इसके अपने अपने सेंट्रॉइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं. शिफ्ट क्या, पैरेलल एक्सिस, दो एक्सिस हैं जो पैरेलल हैं. अब नोट करें, इन तीनों के जो एक्सिस हैं जिनको हमने शिफ्ट किया न्यूट्रल एक्सिस, सारे एक्सिस पैरेलल हैं, है ना, बस उनका एक डिस्टेंस है. तो हम इसको यूज करके उस पॉइंट पर आ जाते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अब क्लियर होगी बात कि नहीं, ये हमेशा करना पड़ेगा, ठीक होगी ना. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. अगर क्लियर हो गई तो नाउ कहाँ पहुंचे, हाँ ये पैरेलल एक्सिस पे हम पहुंच गए. ये देखें, हम मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ. ये देखिए, एक का फिगर बनाऊंगा, बाकी बनाने की जरूरत नहीं. This shown in red, this is the important line. This is neutral axis of this problem. इस प्रॉब्लम को, ठीक है. जबकि अभी जो आपने बी डी क्यूब से ये जो कैलकुलेट किया ना, ये 18 to 10 raised to power 3 और 12, ये बेसिकली अबाउट दिस एक्सिस कैलकुलेट हो गया. आई इसका आई अबाउट दिस एक्सिस कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमें इसको शिफ्ट करना है इधर. इस एक्सिस और इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, देखें ये 10 है, 10 है, तो ये वाला 5, ये 5 हो जाएगा हाफ. 17.5 माइनस 5 12.5. इसको अगर मैं 12.5 से मल्टीप्लाई, ये 12.5 इज दैट डिस्टेंस विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. इसको स्क्वायर लेना होता है, डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर. अब ये टोटल क्वांटिटी जो है ना, इसमें लेफ्ट वाली दिस इज बी डी क्यूब बाय 12, ये अबाउट दिस एक्सिस है. और इसमें जब हमने ये तड़का लगाया, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस जिन शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर. अब ये इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट, ठीक हो गया. अच्छा, और आगे आगे मुझे इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा, यू विल अंडरस्टैंड. अब मैं आगे दो और मुझे चाहिए, उनको मैं बेसिकली, ये अभी तक हमने किया ना, अब हमें आई टू प्लस ए टू डी टू स्क्वायर और उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वॉट इज हैपनिंग हेयर इज ऑल्सो हैपनिंग हेयर, ठीक है ना. इसको ज़रा करें, टू आई टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई टू इसकी बी जो है वो 10 है, इसकी डी 40, जो हाइट होती है उसको क्यूब करते हैं हमेशा, ठीक है, ओवर 12 बी डी क्यूब ओवर 12. में आपने फॉर्मूला लिखा है जो हमने कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट इनिशिया ही किया यानी मोमेंट, तो ऐसा है कि हमने मोमेंट किया या इनिशिया किया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वो 12 पर बी बाय 12 किसी ज्योमेट्री की हैंडबुक खोलें, मोमेंट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया सर्कल का देखेंगे, मुझे बताइए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में डी होता क्या है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन में तो एक विड्थ होगी उसको हम बी कहते हैं, एक हाइट होगी उसको हम डी कहते हैं,
सर वो कल का फैक्टर 1/12 वो कहां जाएगा, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पे, वो ये कहां ये लगा हुआ है ना जी, ये यहां भी लगा था, यहां 12 लगाया तो है, बी डी क्यूब, ये बी डी क्यूब ओवर 12 लगा तो हुआ है पर। अच्छा ठीक है सर, ठीक हो गया। अच्छा अब लेकिन फिर वही बड़ी बात कि ये जो 10 × 40³/12 है ना, ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइड, हमने इसको शिफ्ट अब मारना है ऊपर, ठीक है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको गौर करेंगे, इसको हमें पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करेंगे प्लस एरिया, एरिया तो 10 × 40 है वो तो है ही, और इसका जो डी होगा ना वो गौर कर लीजिए, डी इसका भी 12.5 होगा, अगर चेक कीजिए पावर स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई से कर रहे हैं कि व्हाट एवर इज हैपनिंग एरिया 2 इज आल्सो हैपनिंग एट एरिया 3। इसको चेक, इसको ये आपने कंफर्म करना है कि जिस तरह ये डिस्टेंस मैंने बताया ना, एरिया 1 का सेंट्रोइड और न्यूट्रल एक्सिस के दरमियान 12.5 था, एरिया 2 और न्यूट्रल एक्सिस के दरमियान भी 12.5 ही होगा, वो नीचे की तरफ है, वो डाउनवर्ड है, बट पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर ले लेना आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका सेंट्रोइड उससे नीचे था या ऊपर था, उसको आप माइनस लें प्लस लें उसका स्क्वायर हो जाना है, दैट्स इट। अच्छा ये जब आप सारा कुछ कर लेंगे ना, ये आपका होमवर्क है एक किस्म का, व्हेन यू विल डू ऑल ऑफ दिस, सारी मेहनत करने का नतीजा क्या निकला, हमारे पास इस स्ट्रक्चर का आई आ जाएगा, एंड दैट आई प्लीज चेक इट इज इक्वल टू 360 3.35 × 10 ये आपके पास आया। ये सारा यानी मैं इसको फिर मैं इसलिए समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये इस सवाल को कर लिया तो बाकी सब सवालों का भी यही तरीका है, ठीक है। बी डी क्यूब से इसका निकाला अबाउट दिस लाइन, बी डी क्यूब से इसका निकाला अबाउट दिस लाइन, बी डी क्यूब से इसका निकाला अबाउट दिस लाइन, बी डी क्यूब बाय 12 में, मतलब मैं बार बार बोलूँ। अच्छा अब इन तीनों को शिफ्ट किया इस पूरे स्ट्रक्चर के इस एन ए पे, ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये इन अनसिमेट्रिक सेक्शन, अगर ये ऊपर और नीचे सेम होती चीज़, ये फटा सा नीचे भी लगा होता तो बस फिर, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जब हम कैलकुलेट करते तो वो इसी पे आता, ठीक है। लेकिन उसको मैं बताऊंगा अभी, वो भी क्यों ना आता अभी, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन उसमें कम से कम एक सिंप्लिसिटी है, उसमें एक और तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी करना पड़ता है, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक। इस तरह का अगर सवाल होता तो फिर कुछ भी करने की जरूरत, बस ये टोटल स्ट्रक्चर आपका, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, तो बस बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। तो इस केस में जो ऐसे नहीं है, सो न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किया, ये रेड वाले जो हैं ये कैलकुलेट किया आपने बी डी क्यूब बाय 12 से, फिर उसको शिफ्ट किया आपने एन ए की तरफ बाय यूजिंग ई डिस्टेंस, एक के केस में ये डिस्टेंस आएगा, दूसरे के केस में ये डिस्टेंस, जो इस केस में 12.5 दोनों आ गया, उनका स्क्वायर लिया, जब करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, आगे कुछ भी नहीं बच गया। इस सवाल में हमने करना सिर्फ इतना था कि देखिए ना, इतनी सारी मेहनत हमने की, कहाँ चले गए थे, एक्चुअली सवाल में कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेट करना और इससे आई कैलकुलेट करना ही काम था, वो हो गया। अब वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो ये अब M75 है, तो सिग्मा माइनस MY/I, ठीक हो गया ना। अच्छा इसमें क्या ख्याल है, टेंशन कहाँ सबसे ज्यादा होगी, कंप्रेशन कहाँ सबसे ज्यादा होगी, कौन बताएगा, वेयर विल टेंशन बी ग्रेटेस्ट, वेयर विल कंप्रेशन बी ग्रेटेस्ट, कौन बताएगा इस बेंडिंग मोमेंट को देखते हुए, कोई भी नहीं बताएगा। कंप्रेशन तो फेस में सबसे ज्यादा नहीं होगी, ये जो मतलब जो दो नीचे हैं 10 और 10 वाले दो पिलर्स, उधर टेंशन ज्यादा होगी या कंप्रेशन ज्यादा होगी, कंप्रेशन, अरे से सारा वेट आ रहा है, नहीं वेट कहां से आ गया, वेट तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो इस बेंडिंग मोमेंट का गौर कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या करता है। अच्छा बेंडिंग मोमेंट ये ऐसे लग रहा है ना, तो ये कंप्रेशन में जाएगा, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा, ये वाली लाइन जो है ना मैक्सिमम कंप्रेशन में होगी, और ये दो मैक्सिमम टेंशन में होंगे, ये देखना, इसको मैं बनाता हूं साइड से, ये देखिए, तो ठीक है ठीक है, हां जी हां जी बिल्कुल, ऊपर कंप्रेशन में आएगा ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये कंप्रेशन में मैक्सिमम होगा और नीचे वाला पॉइंट टेंशन में मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसको देखिए कर लेते हैं, इस पे तो हमें माइनस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं ना, हमें पता है
इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है m y over i, ठीक है ना। m की वैल्यू अभी हमने गिवन है 75 न्यूटन मिलीमीटर इनटू y, एक केस में y क्या देंगे, 17.5 लेंगे ना, ये जो ऊपर वाला केस है टेंशन वाला केस, ये जो कंप्रेशन वाला केस, कंप्रेशन वाला केस ना टेंशन, कंप्रेशन वाला केस में क्या लेंगे 17.5, ठीक है, यही तो मालूम किया था अभी 17.5। और ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये 32.5 है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जब 17.5 पुट करेंगे और आई की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, तो जो आंसर आएगा ना वो आपके पास 6.71 MPa इन टेंशन, ये आपने कंफर्म करना, ठीक है। अच्छा, और जब आप इसमें वैल्यू लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 75 इंटू 32.5 ये वाली, तो अब आपने क्योंकि इससे कम डिस्टेंस जो भी बीच के जितने भी डिस्टेंस वहाँ टेंशन है, लेकिन वो कम टेंशन है, इसके इस न्यूटन से ऊपर जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो कंप्रेशन है, बट कंप्रेशन मैक्सिमम तो जहाँ वाई मैक्सिमम है वो होगा ना। तो जब आप 32.5 यूज़ करेंगे और आई वही जो भी कैलकुलेट किया है, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो कंप्रेशन में होगा। आई लीव इट टू यू टू कैलकुलेट दैट, ठीक है, क्या ख्याल है, हो जाएगा ना, ये आपके लिए एक किस्म का तोहफा समझ लें, ठीक है, ये आप कीजिएगा। मैं जाहिर है वो आपको पता है क्या क्या वाली आएगी। तो इसकी अगर मैं आपको इसकी अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ ना आपको, तो डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है इसकी, पिछले सवाल की डायग्राम और इस डायग्राम में बहुत फर्क है, ये देखिएगा। सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सर्कुलर वाला जो प्रॉब्लम था ना वो सिमेट्रिक था, ये था ना, ये बार था ना। अगर इसमें साइड से आपको दिखाऊँ ना, तो चूंकि न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो इसमें अगर अगर ये बेंडिंग मोमेंट है तो क्या होगा, इधर कंप्रेशन आएगा और इधर टेंशन आएगा, कंप्रेशन इधर टेंशन, और ये जीरो न्यूट्रल एक्सिस, और ये टेंशन विल बी इक्वल टू कंप्रेशन इन मैग्नीट्यूड, जाहिर है वो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये डिस्टेंस चूंकि बराबर हैं दोनों डिस्टेंस, तो ये कंप्रेशन टेंशन की क्वांटिटी हमेशा बराबर ही होगी। अब सवाल हमारा वाला, ये वाला सवाल ये है ना, इस पे अगर ये m लग रहा है, अब जो हम साइड से अगर आपको दिखाऊँ ना, ये m लग रहा है, अब न्यूट्रल एक्सिस इज नॉट एट द, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ है, इसमें जो कंप्रेशन होगी वो कम होगी और जो टेंशन टेंशन होगी ना ऑटोमेटिक, ये डिस्टेंस आता है ना, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ये 32.5 है, ये 17.5, सो दिस कंप्रेशन टेंशन विल बी ग्रेटर देन कंप्रेशन, रेशियो क्या होगा इनका, टेंशन कंप्रेशन से कितनी ज्यादा होगी, 32.5 ओवर 17.5, ये रेशियो, क्लियर है बात की नहीं, इंटरेस्टिंग है ना मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स कि नहीं जी सर, वेरी गुड वेरी गुड।